बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम तैयार करने लगे हैं चिकन जलफ्रेजी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने दो अंडों का 2 पिंच नमक डाल के ऑमलेट तैयार कर लिया है। इसको हम इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इसी पैन में तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करते हैं। ये हमने सब्जियां ली हैं, एक शिमला मिर्च ली है, एक मैंने साइज का प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है। इनको मैंने इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है। इसको ऑयल में हल्का सा सोते करते हैं। सब्जियां हमारी जो है वो सोते हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना कि इनका क्रंच जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब हम इनको निकाल लेते हैं। हाफ कप ऑयल शामिल करते हैं और ये हाफ के जी हमने बोनलेस चिकन लिया, इसको भी स्लाइसिस में काटा है, ये इसमें शामिल करते हैं और इसको वाइट होने तक फ्राई करते हैं। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं। नमक 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टमाटर का पेस्ट, 1/2 लेमन, 1/2 कप इसमें शामिल करेंगे चिली गार्लिक सॉस। माशाल्लाह से लुक देखें, कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। अब ये वेजीज जो हमने सोते की थी, वेजीज इसमें शामिल करते हैं। सबसे लास्ट में जो 2 अंडों का हमने ऑमलेट तैयार किया है, ये इसमें शामिल करते हैं, मिक्स करते हैं और फ्लेम ऑफ करते हैं। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये ले जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त चिकन जलफ्रेजी हमारी तैयार है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप इस डिश को बहुत इंजॉय करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह इसी तरह की एक नई मज़ेदार रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।